हे गाइस, वेलकम टू सहारा क्रिएशन। आज के इस वीडियो में हम इस लेयर्ड पार्टी वेयर गाउन का कटिंग एंड स्टिचिंग करना देखेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करते रहती हूँ। तो आज के इस वीडियो में भी आप एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये फ्रॉक जितना देखने में प्रीटी है, खूबसूरत है, उतना ही बनाने में आसान भी है। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आपको बताया है कि इसे कैसे बनाना है। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस गाउन को बनाने के लिए मैंने 10 मीटर नेट ली है, जो कि एक तरफ से वर्किंग है और एक तरफ से प्लेन है, मतलब इसकी उल्टी सीधी साइड है, दोनों तरफ से एक जैसी नहीं है नेट। तो ये मैंने 10 मीटर नेट ली है और इसके लाइनिंग के लिए मैंने ये 2 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है। तो ये खेनखेन मुझे 2 इंच चौड़ी चाहिए थी, पर वहाँ पर थी नहीं, तो मैं ये 1 इंच चौड़ी ही ले आई। ये भी मुझे 10 रुपये पर मीटर पड़ी है मार्केट से, बट आप अगर इसे अमेज़न से लेते हो तो 250 रुपये में आपको पूरा पैकेट मिल जाता है, जिसमें 45 मीटर आती है। पहले मुझे नहीं पता था, तो मैं मार्केट से ही ले आई। अमेज़न पे 2 इंच चौड़ी भी आपको मिल जाएगी। मैं दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर परचेस कर सकते हो। बाकी आप आपके बजट के अकॉर्डिंग देख लेना। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो लगते हैं वो गोल घेरे कट करेंगे, जो कि हमें 8 कट करना है। तो सबसे पहले हमें एक घेरा कट करेंगे। तो सबसे पहले हमने नेट की सिंगल लेयर को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। तो मैंने इसे इस तरीके से बिछाया है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 20-20 इंच है। अब हम यहाँ पर कोने पर इसे टेप को रखते हुए 20-20 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो हमारा 20 इंच त्रिज्या वाला एक सर्कल कट होकर निकलेगा। इस तरीके से हम इसे मिला लेंगे और अब इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा एक सर्कल कट हो चुका है, जिसकी पूरा 40 इंच ये लंबा है। देखिए, इस तरीके से अप डाउन होते हुए हमें इसे जोड़ना है। तो इसकी हमने 8 लेयर और कट कर ली है, मतलब 7 लेयर कट की है। तो हमारी टोटल 8 लेयर कट होकर निकली है। अब हम इसके नीचे का घेर कट करेंगे, जो कि हमें सीधा ही कट करना है। तो हमने इसको सीधा सीधा ही बिछाया है, ये भी 4 फोल्ड में बिछा हुआ है। तो ये 2 लेयर हम कट कर रहे हैं, एक आगे का और एक पीछे का। तो ये हमारा फ्रंट और बैक कट होकर निकला है इस तरीके से। अब हम इसका अस्तर कट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं इसे तिकोने शेप में बिछा रही हूँ, क्योंकि हमें इसे उरेप कट करना है। आप चाहो तो इसे भी सीधा भी लगा सकते हो, लेकिन हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है तो हम इसे उरेप ही कट करके लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे पूरा कट कर लेंगे, जितना भी हमारा घेर आ रहा है, और उसके बाद हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, जो कि हम 24 इंच पर लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इसके घेर की लंबाई जो है वो 25 इंच तैयार रखना है। तो 1 इंच में कम रख रही हूँ। तो ये हमने घेर का अस्तर भी कट कर लिया है और ये हमारा घेर भी कट हो चुका है। अब हम इसकी बॉडी कट करेंगे। तो बॉडी को हम सबसे पहले पेपर पे कट करेंगे। तो ये पेपर को मैंने लेंथ वाइज फोल्ड कर लूँगी। सबसे पहले हमें इसकी 12 इंच लेंथ रखना है कटिंग। तो हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसकी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर में इसका 5.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और आर्म होल हम इसका 5 इंच रखेंगे। ये फ्रॉक मैं 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो ये जो मार्किंग मैं कर रही हूँ ये 5 साल की बच्ची के लिए है। आप अपनी बच्ची के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे मार्किंग कीजिएगा। तो ये मैं 8 इंच पर फिटिंग का निशान लगा रही हूँ चेस्ट का, और वेस्ट का निशान भी मैं अभी 8 इंच पर ही लगा रही हूँ, बाद में हम इसे कम ज़्यादा कर लेंगे। अब हम इसके नेक के लिए मार्क करेंगे। तो उसके लिए मैं 2.5 इंच पर मार्क करूँगी, 2.5 या 2.25, क्योंकि हमें कॉलर वाला नेक बनाना है तो इसकी चौड़ाई कम ही रखेंगे। अब हम इसकी नेक की चौड़ाई से सीधे इसको आर्म होल से मिला लेंगे, क्योंकि हमें इसमें शोल्डर कट नहीं करना है। अब नेक की लेंथ के लिए मार्क करेंगे, जो कि मैं 2.5 इंच पर रख रही हूँ, क्योंकि हमारा एक कॉलर वाला गला है तो नेक हमें ज़्यादा डीप नहीं रखना है। तो इस तरीके से गोलाई देते हैं, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी बॉडी की कटिंग हो चुकी है, अब हम इसको फैब्रिक पे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट में हमें इसमें जीप अटैच करना है, तो हम इसे दोनों तरफ से खुला ही कट कर रहे हैं, दो पार्ट अलग अलग कट कर रहे हैं हम इसके।
तो हमने आधा इंच इधर जीप के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है और अब हम एज इट इज इसमें मार्किंग कर लेंगे और अब इसे कट कर लेंगे। इस तरीके की चार लेयर हमें कट करना है। अब हम इसको नेट पर कट कर लेंगे। इस तरीके से हम इस पर बिछा करके इसको नेट पर कट कर लेंगे। अब ऊपर से हम 1/2 इंच से नेक इसका डाउन कर देंगे कॉलर लगाने के लिए। तो हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट को अभी कट नहीं करेंगे, पहले हम इसे स्टिच करेंगे। तो हमें इसे नेट को इस तरीके से लेकर के इस तरीके से इसमें प्लीट्स डालते हुए यहाँ पर इसे स्टिच कर लेना है। अब मैं इसे स्टिचिंग के वक्त आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट रेडी कर लेते हैं, उसके बाद में आपको फ्रंट पार्ट रेडी करना बताऊँगी डिटेल में। सबसे पहले मैंने नीचे एक लेयर रख दी है कपड़े की, बीच में नेट को रख के ऊपर फिर से प्लेन लेयर रखी है कपड़े की। और अब हम इसे यहाँ से स्टिच कर लेंगे और आर्म होल वाली साइड भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दो तरफ इसलिए सिलाई लगी है ताकि हम पलटा लें तो हमें यहाँ पट्टी लगाने की ज़रूरत ना पड़े, और इसीलिए हमने प्लेन कपड़े की दो लेयर भी लगाई है इसे पलटाने के लिए। अब हम इस पर जीप अटैच कर देंगे। पहले हम इसके आर्म होल पर दाब सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद इसमें जीप अटैच करेंगे। तो जो हमारी जीप है वो छोटी है बॉडी से, तो हम नीचे की तरफ इसको कपड़ा लगा करके अटैच कर रहे हैं दोनों पार्ट्स को। आप चाहे तो इसे सीधा सलंग काट के और फिर उसमें ऊपर ऊपर जीप लगा सकते हैं। सब अलग अलग टेक्निक होती है जीप लगाने की। अब हम इसका फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने नेट को ले लिया है, सीधी नेट हमने अभी कट नहीं की है। इस तरीके से हम इस पर फ्रिल्स डालते हुए जिस तरह हमने बॉडी कट की है वहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे इसके गले में, और बाकी बॉडी में हम यहाँ पर आर्म होल में सीधी नेट पर ही सिलाई लगाएंगे। और नीचे की तरफ हमने जो ऊपर स्प्लिट्स डाली है उसी को एडजस्ट करते हुए हम इस तरीके से नीचे भी सिलाई लगा लेंगे। साइड में, नीचे की साइड सभी दूर हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे प्लीट्स को, और फिर इस पर भी सिलाई चला देंगे। तो ये हमारी बॉडी के हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम जो एक्स्ट्रा नेट है उसे कट करके अलग कर देंगे इस तरीके से। अब हम इस पर अस्तर का कपड़ा जोड़ेंगे। तो हमने इसको उल्टा रख करके इस पर इसे जोड़ लेना है इस तरीके से। पहले हमने कट नहीं किया है क्योंकि वो छोटा बड़ा हो जाता है इसलिए, तो पहले हमने इसे जोड़ लिया है। अब हम इसे भी कट करके अलग कर देंगे। अब हम गले में छोटे छोटे नोचिस लगा लेंगे पलटाने के लिए, और जो ये पेपर को हम रिमूव कर देंगे बॉडी से। अब इसे पलटा लेंगे अच्छे से, कोने छाटते हुए निकालते हुए हम इसे पलटाएंगे। और अब हम इस पर भी दबाव के लिए सिलाई लगा देंगे, इसको चारों तरफ से भी पैक कर देंगे ताकि इसके जो हमने प्लीट्स डाली हुई है वो अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह की बॉडी की स्टिचिंग आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, और अगर आपने देखी है तो मुझे बताना क्योंकि मैंने तो नहीं देखी अब तक यूट्यूब पर। तो मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने देखी हो तो। तो ये देखिए हमने चारों तरफ से इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसके दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। तो हम इसे सीधे अटैच नहीं करेंगे, इसमें हम कॉलर अटैच करेंगे तो ये ऑटोमेटिक के दोनों जुड़ जाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये नेट पर और इस पर इस तरीके की पट्टी कट कर ली है। अब हम इसको इस तरीके से उल्टी तरफ रख करके यहाँ पर सिलाई चला देंगे जहाँ हमने दोनों जो गले कट किए हैं वहाँ पर। इस तरीके से दोनों को जोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई चला लेंगे, तो उससे हमारी कॉलर भी अटैच हो जाएगी और हमारे दोनों पार्ट्स भी अटैच हो जाएंगे एक दूसरे में इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से बाहर की तरफ पलटाते हुए इस पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। जैसे हम कॉलर पलटाते हैं वैसे ही हमें इसे करना है, बट साथ में हमें दोनों पार्ट्स को भी अटैच करना है तो थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए,
बट आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से इसको जोड़ा है। बट ये बनने पर बहुत अच्छी लगती है, इस तरह की बॉडी अलग ही लुक आता है इसका पहनने पर। तो ये मैंने कॉलर अटैच कर ली है और इस साथ ही हमारी बॉडी भी अटैच हो गई है एक दूसरे से। अब हम इसकी फिटिंग के लिए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने फिटिंग भी इसकी कर ली है, तो ये हमारी बॉडी रेडी है। अब हम इसका घेर तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो ये अस्तर कट किया था इसको हम अटैच कर लेंगे। और इसकी बॉटम भी मैंने फोल्ड कर दी है, देखिए ये नॉर्मल सी चीज़ है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया है। अब हम इसके ऊपर वाला घेर इस अटैच कर रहे हैं जो कि हमने दो लेयर में कट किया था, तो हमने जोड़ लिया है। अब हम इसको आपस में प्लीट्स डालते हुए जोड़ देंगे। तो ये देखिए ये हमारा घेर, नीचे का जो घेर है वो रेडी हो चुका है। अब हमने जो 8 सर्कल कट किए थे उसको हम रेडी करेंगे। तो उसमें मुझे नीचे की तरफ ये कैन पट्टी लगाना है, तो अब मैं इसे आपको लगाना बताऊँगी। इसे हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, इसको हम नेट के अंदर कवर करते हुए लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने इसकी डबल चौड़ाई की ये पट्टी कट कर ली है नेट की, और इस तरीके से अंदर हम इसको कवर करते हुए इसकी बॉटम पर लगा देंगे। तो ये पहले हमें इसे सीधी साइड लगाना है, जो हमारे नेट का सीधा साइड है जिधर हमारी चमक दिख रही है उधर की तरफ हम इसे लगा करके फिर हम इसे पीछे की तरफ पलटाएंगे, जिससे कि हमारी जो नेट की बॉटम है वो भी कवर हो जाएगी। इस तरीके से देखिए ये हमने लगा लिए, और अब हम इस तरीके से इसे पलटा करके इस पे ऊपर की तरफ सिलाई चला देंगे चारों तरफ। तो हमें हमारी सारे जो हमने सर्कल कट किए हैं 8 सभी को इसी तरह से कैन इन पर जोड़ लेना है। तो ये देखिए ये सारे मैंने लेयर रेडी कर ली है। तो हमारे सारे पार्ट्स लगभग रेडी हो चुके हैं। ये हमारा नीचे का घेर है, इस पर भी हम नीचे की तरफ कैन लगाएंगे, अभी मैंने नहीं लगाई है। तो इस तरीके से हम इसे इसमें बॉडी में जोड़ेंगे, और इसके ऊपर से हमने जो 8 लेयर कट की है, घेर कट की है, उन्हें हम इस तरीके से अप डाउन करते हुए यहाँ पर जोड़ेंगे। बराबर बराबर दूरी पे हमें हमारी कमर की चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसकी दूरी सेट करना है कि हमें कितनी कितनी दूर पे ये लगाना है। तो इस तरीके से जितने भी घेर हैं हम इसे एडजस्ट करते हुए इस तरीके से लगा देंगे। सारे घेर लगाने के बाद अब हम इसके जो शोल्डर है यहाँ पर थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक एनकेन पट्टी ले ली है बची हुई, और ये बची हुई नेट से मैं इसे इस तरीके से कवर कर लूँगी। तो चलिए घेर तो आप जोड़ लोगे, लेकिन इसे कवर करना मैं आपको बता देती हूँ ताकि हमारा जो फ्रॉक है वो और भी स्टाइलिश दिखे। तो सबसे पहले तो हमारे जो किनारे है तो इसको हम कवर करेंगे। तो उसके लिए मैं इसको कपड़े को डबल ट्रिपल फोल्ड करके कवर कर रही हूँ ताकि बच्चे को पहनने पर ये चुभे नहीं। तो जितनी मोटी लेयर हम लगाएंगे उसके तार बाहर नहीं आएंगे, तो इस तरीके से हम इसे कवर कर लेंगे। तो दोनों मैंने कवर कर लिए। अब हम इसे जो हमारी नेट के बचे हुए टुकड़े हैं इन्हें सीधा सीधा कट करके रफल्स बनाते हुए इन्हें लगाएंगे इस तरीके से। तो चौड़ी सकड़ी जैसी भी हो चलेगी, बस हमें काट काट के यहाँ पर इस तरीके से इसे जोड़ते जाना है। तो हम इसको 3 लाइन में जोड़ेंगे। तो पहली लाइन हम एकदम किनारे से लगाएंगे इसकी नेट की, इस तरीके से फ्रिल्स बनाते हुए हम इस पर सिलाई चलाते जाएंगे। कट कर करके लगाना है, बाद में हम इसे छाड़ देंगे, छोटी बड़ी जैसी भी हो लगाते जाएंगे। अभी हम इस तरीके से इसको साइड में कर देंगे और अब बीच में पट्टी लगाएंगे। तो बीच में भी हमें जैसे हमने साइड में लगाई इसी तरह गेदर्स बनाते हुए हमें इसे लगाना है। तो ये हम हमारी बची हुई नेट के लगा रहे हैं, इसलिए छोटे बड़े लग सकते हैं, आपको ध्यान नहीं देना है, हम बाद में इसे छाट कर बराबर कर लेंगे। अब हम ये दोनों को साइड में करके यहाँ पर 3री लेयर लगाएंगे दूसरे कोने पे। इस तरीके से हम यहाँ पर भी इसे पूरा फिल कर लेंगे नेट से। तो ये हमारी शोल्डर बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम इसको बराबर से छाट लेंगे।
ताकि अच्छे फ्लफ़ी दिखे और शेप में दिखे। तो इस तरीके से हम दोनों शोल्डर रेडी कर लेंगे, इससे भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने जोड़ भी दिए हैं बना करके, तो हमने ये घेर भी सारे लगा दिए हैं और शोल्डर भी लगा दिए हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे अटैच किए हैं शोल्डरों को। और ये घेर का मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से हमने ये अलग अलग घेर यहाँ पर बराबर बराबर निशान लगा करके लगा दिए हैं। हमारी कमर की गोलाई है, सभी दूर बराबर दूरी पर एडजस्ट करके हमने इसे लगाए हैं घेरों को। ये देखिए ये पीछे से भी हमने सारे घेर बराबर से लगाए हैं ताकि कहीं भी कम ज़्यादा गैपिंग ना दिखे। तो ये देखिए ये हमारा गोल घेर है जो कि हमने 40 इंच कट किया था, तो ये बनने पर 39 हो गया था, आधा आधा इंच फोल्ड हो गया था। आप चाहे तो छोटा भी लगा सकते हैं। ये जो हमारा अप वाला हिस्सा है ये 11 इंच हमने रखा है, बाकी हमने नीचे छोड़ दिया। आप इसे 8 या 10 भी रखेंगे तो भी ये अच्छा ही लगेगा। तो उसके लिए जो मैंने 20 इंच का घेर कट किया है उसे 18 या 19 ही कट करें, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये हमारे फ्रॉक की स्टिचिंग हो चुकी है, अब हम थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर देंगे। इसके साथ मैंने इसका मैचिंग हेयर बैंड भी बनाया हुआ है, तो उसका वीडियो मैं अलग से बना करके अपलोड करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब बताने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम इसको चारों तरफ लगा लेंगे लेस को। और ये देखिए हमारा ड्रेस बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ड्रेस कैसा लगा और आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।